नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का टीचर जो आप सही है यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं नेवी चिल्ड्रन स्कूल के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। इसके पहले मैंने जो है दिल्ली से निकली हुई थी जो वैकेंसीज वो डिस्कस की थी, और इस बार जो वैकेंसीज निकली है ये मुंबई से निकली हुई है। ठीक है, जो है जगह है ये देख लीजिए, न्यू नेवी नगर कोलवा मुंबई से ये वैकेंसीज हैं, नेवी चिल्ड्रन स्कूल। ठीक है, तो यहाँ से वैकेंसी निकली, आइए देख लेते हैं। जब आप इनकी वैकेंसी वाले सेक्शन में आएंगे ना, ये रहा वैकेंसी वाला सेक्शन, तो यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे आपको ये वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल अप्लीकेशन फॉर्म ऑफ टीचर, ये रहा अप्लीकेशन फॉर्मेट, यहाँ मिलेगा। और वैकेंसीज की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ मिलेंगी, इस पर क्लिक करते ही आपको सारे ओपन हो जाएंगे जो भी PDF है। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं कि वैकेंसीज किन पोस्टों पे है ना। तो ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल नेवी नगर कोलविया, यहाँ पे मेंशन कोलवा मेंशन किया हुआ है, चेक कर लीजिएगा। तो पहली जो वैकेंसीज है, देखिए यहाँ पे मुझे तो कुछ पूरे PDF को पढ़ने के बाद मुझे कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की वैकेंसी नज़र नहीं आई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये परमानेंट बेस की वैकेंसीज हैं। तो आप भी इसको देख लीजिएगा PDF को, ये टेलीग्राम में मैं सेंड कर दूंगा। तो पहली जो वैकेंसीज है वो PHT के लिए, और PHT में क्या है, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज फॉर स्टैंडर्ड 11 to 12th के लिए वैकेंसीज है। अब जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट कंप्लीटेड एज रेगुलर कोर्स विद एटलीस्ट 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस, ये होगा। देन बैचलर होगा, और ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंगली पढ़ लीजिए। PHT के लिए, PHT में मैथ साइंस सोशल साइंस इंग्लिश हिंदी साइंस की जरूरत है। इसमें जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, BA हो या BSc डिग्री स्टडीज या रेगुलर कोर्स आपने किया हो एंड क्वालिफाइड विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स से आपको क्वालिफाइड होना चाहिए किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और बाकी बैचलर ये सब चीज़ें हैं आप देख सकते हैं। देन PRT जनरल और हिंदी की वैकेंसीज हैं, जिसमें ए बैचलर डिग्री कम्प्लीटेड एज ए रेगुलर कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकोगनाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बैचलर डिग्री होना चाहिए, देन BEd होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं आप चेक कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर के भी पोस्ट निकले, ग्रेजुएट विथ BEd स्पेशल एजुकेटर आपका होना चाहिए, या फिर ये सारी चीज़ें आपको ऑप्शन में दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। देन फाइनेंशियल लिटरेसी एंड मार्केट मैनेजमेंट फॉर क्लास 6 to 12, एनी अदर। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए MCOM हो, MBA हो, MA हो इकोनॉमिक्स में तो चलेगा। इसके साथ साथ आप और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप चेक कर सकते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर भी चाहिए जो क्लास 6 to 12th के लिए लें, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा विद 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर चाहिए, ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन, एक्टिविटी आर्ट चाहिए, ग्रेजुएशन इन आर्ट ऑफ इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों ये कुछ जो वैकेंसीज थी इसके बारे में मैंने आपको बताया। बाकी एज लिमिट देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से दी हुई है, 21 से लेके 50 वर्ष होना चाहिए, वो काउंट होगा 1 जुलाई 2024 को एक बेस लेके बनाया गया है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिए। अब जो मेन चीज़ है, आपको अप्लाई कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। अप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड, ये रहा अप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको ये पोस्ट करना हो, स्पीड पोस्ट करना है, जो एड्रेस यहाँ पे बताया हुआ है ना, ये एड्रेस पे आपको स्पीड, हालांकि इसकी कोई फीस नहीं है, सिर्फ आपको अपने टेस्टिमोनियल जो है स्पीड पोस्ट करने हैं। अब टेस्टिमोनियल्स में क्या होते हैं, एजुकेशनल जो भी आपके सर्टिफिकेट है, प्रोफेशनल कोई डिग्री किया आपने, वो एक्सपीरियंस है आपको किसी चीज़ का, या आपने एजुकेशन का कोई अचीवमेंट है नेशनल लेवल पे आपने किया हो, तो सबको आपको सारे चीज़ों को अटेस्ट करना है, खुद से साइन करना है, डेट लिखना है, और जेरोक्स सारे सेंड कर देने हैं आपको NCS मुंबई के एड्रेस पे। ठीक है, तो ध्यान रखिए एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय हैंड, अगर आप हाथ से जमा कर रहे हैं तो एप्लीकेशन सबमिट नहीं माना जाएगा। ठीक है, आइए आगे चेक कर लेते हैं। डिटेल ऑफ CWT, ये CWT कॉमन रिटर्न टेस्ट है, 18 मई को रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन अलॉन्ग विद सेल्फ एड्रेस, ये 18 मई को लास्ट डेट होगी आपकी जो भी अप्लीकेशन होंगे उसके सबमिट होने की। 1 जून को लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स की, जो जो भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम्स के लिए जो सेलेक्टेड किए जाएंगे वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाएगी, तो ये देख सकते हैं 1 जून को। 8 जून को कॉमन रिटर्न टेस्ट एट NCL, 8 जून को कॉमन रिटर्न टेस्ट होगा, और 19 जून को उन सभी लोगों की लिस्ट शेयर कर दी जाएगी जो कॉमन रिटर्न टेस्ट में पास हैं,
और इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है 18, 1, 8 एंड 19, ठीक है। अब ये उसी हिसाब से स्केड्यूल दिया हुआ है रिटर्न टेस्ट का, सब में जो है रिपोर्टिंग टाइम आपकी 8:30 बजे रहेगी, यहाँ कुछ 11 बजे है टीएसटी के लिए, बाकी सभी के लिए 8:30 है, और यहाँ 2 बजे है पीएचटी के लिए। तो ये आप देख लीजिएगा, मैंने ये पीडीएफ ऑलरेडी सेंड कर दिया है टेलीग्राम में। इसमें कोई सिलेबस की बात नहीं की गई थी, लास्ट टाइम भी जब मैंने जब दिल्ली वाले वैकेंसीज की बात की थी, लोग सिलेबस की पूछ रहे हैं, बट सिलेबस मुझे भी नहीं पता है क्योंकि इस पीडीएफ में नहीं है, तो मुझे भी जानकारी नहीं है, तो आपको कोई और सोर्स देखना पड़ेगा सिलेबस के लिए, ठीक है दोस्तों। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कोई डाउट्स हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मेरे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप चैनल एंड टेलीग्राम से जो है, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो खुश रहिए, इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।